अब आज जब मैं पंजाब के बारे में बातचीत कर रहा हूं तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पंजाब में राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, किसान के कारण से नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कोई किसान का भला करना है, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पंजाब का किसान जिसने हरित क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान किया है उनको कोई सही रास्ता दिखाना है, नहीं, उन्हें गुमराह करते हुए अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी विशेष हो जाती है, जहां लोग हमारे विषय को गुमराह कर रहे हों वहां राह पर लाना, लोगों को सच्ची बात समझाना, यह भी हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बहुत लोगों ने किसान नेता होने का दावा किया, बहुत से नेता ऐसे हुए जो सारे जीवन किसान नेता के रूप में स्थापित रहे, बहुत से ऐसे लोग हुए जो किसान नेता के रूप में जाने गए, और जाने कैसे गए, क्योंकि वो किसान की बात करते रहे। लेकिन सच्चाई ये है, और ये यही नहीं, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे भारत की बात कर रहा हूं, कि जो लोग किसानों के नेता के नाम पर स्थापित हुए वह किसानों के साथ लिप सर्विस करते रहे, जवान से बोलते रहे, मुंह से डिमांड उठाते रहे, लेकिन सही में किसान की तस्वीर बदले, किसान की तकदीर बदले, किसान की स्थिति बदले, इसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी ने किया है आजाद भारत में तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं।